कहां जाएंगे? हमने फैसला किया कि हम नहीं भागेंगे, न डरेंगे, न हटेंगे, और हटाने की बात करने वालों को उसकी नानी याद दिला दी। खड़ा होगा। अब मैं दूसरी दिशा में आपको ले जाता हूँ। जब सृष्टि नहीं थी तब मानी अलग अलग जगह अलग अलग देवी हुई, और देवी ने कहा कि वैदिक पद्धति से विवाह, तब तक विवाह नहीं था, काम नहीं था, रति नहीं थी, काम का संगन हुआ, और कहा कि आपकी संतति से पृथ्वी भर जाएगी। जिस देवी ने हमारे प्रथम पुरखों को आशीर्वाद दिया वो हमारी कुलदेवी बनी, और उनके आशीर्वाद से दोनों हमारे ही भगवान हैं, एक हनुमान का भक्त है, एक राम का भक्त है। नरेंद्र मोदी से बाप के कैसे संबंध है? वो प्राइम मिनिस्टर है, मैं तो भदोही के छोटे से गांव में किसानों के बीच बैठने वाला छोटा सा व्यक्ति। काशी मथुरा बुद्ध के मंदिर बनाने के कानून जी केंद्र सरकार को बनाना चाहिए। वो तो कह रहे हैं 370 हट गया तो ये भी हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि वहाँ का काशी विश्वनाथ का जी अभी नंदी भगवान अकेले बैठे राह देख रहे हैं कब सामने काशी विश्वनाथ, तो नंदी भगवान का भी सम्मान हो। और सुगर गौरी तो मस्जिद में विराजमान है हमारी माँ जी, तो हमारी माँ को मस्जिद में बैठना पड़े ये अच्छा थोड़ा ज्ञान लाभी मस्जिद बिल्कुल कानून बनाकर दोनों जगह पर मंदिर बनाना चाहिए और सरकार कानून बनाए। आपको लगता है कि कानून बनाने से क्या इस समस्या का हल हो जाएगा? क्योंकि इसके पहले एनआरसी और सीएए को लेकर के जो कानून सरकार ने 2 साल पहले बनाए हैं उसको उसका स्वरूप क्या होगा? अभी तक उसके कानून पे कैसे किया जाएगा? वो 2 साल तक अभी तक कुछ नहीं, उनके साथ मत करो, यहाँ कानून बनेगा तो मंदिर बन जाएगा। कानून को लेकर के भी एनआरसी को लेकर के भी अभी तक कोई नागरिकता मिल रही है पाकिस्तान से कोई रोक नहीं, कोई अभी कानून तो बना ही नहीं उसका। अरे तो अभी नागरिकता मिल रही है कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से क्या कुछ परिवर्तन आप देखते हैं? थोड़ा परिवर्तन तो आया, बाकी देशभक्त जनता का मनोबल बढ़ा है। हाँ, पूरा आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ है, होगा। जेहाद को हम जेलम की धारा में बहा देंगे, बिल्कुल बहा देंगे, और हमेशा हमेशा के लिए जेहाद को मिट्टी में मिला देंगे, और उस मिलाने का काम सरकारों को करना ही होगा, और उसका दबाव ये देश के देश ही कर रही है करेगी।